हर जगह पे इंडिया ने पाकिस्तान को हराया है, लेकिन कल हुए पेरिस ओलंपिक में पाकिस्तान ने इंडिया को हराया। कल हुए पेरिस ओलंपिक के जावलिन थ्रो के फाइनल में इंडिया की तरफ से नीरज चोपड़ा तो पाकिस्तान की तरफ से अरशद नदीम ने हिस्सा लिया। नीरज ने कंपटीशन के दूसरे थ्रो में 89.34 मीटर का जावलिन फेंक के इंडिया को गोल्ड की आशा तो जगाई थी, लेकिन जैसे कि पाकिस्तान और उनके खिलाड़ियों के बारे में कहा जाता है कि वो फेंकने में बहुत फेमस है, वैसे ही अरशद नदीम ने ये साबित भी किया कि वो फेंकने में बहुत फेमस है, उनसे ज्यादा कोई फेंक नहीं सकता। अरशद ने अपने दूसरे थ्रो में 92.97 मीटर का थ्रो फेंक के सारी दुनिया को हैरानी नहीं किया, बल्कि ये साबित भी किया कि उनसे ज्यादा कोई फेंक नहीं सकता। अरशद ने नया ओलंपिक रिकॉर्ड भी अपने नाम किया और नीरज को अरशद के सामने हार कबूल करनी पड़ी, लेकिन अरशद की तारीफ तो करनी ही पड़ेगी क्योंकि उसने अपने लास्ट थ्रो में भी 91+ थ्रो फेंक के सबको हैरानी नहीं किया, बल्कि अपने आप को साबित भी किया कि उनसे ज्यादा कोई फेंक नहीं सकता। उसने अपने आप को साबित भी किया कि वो गोल्ड मेडल के प्रमुख हकदार थे। उसने अपने लास्ट थ्रो में 91+ भाला फेंक के नीरज के रिकॉर्ड को दो बार तोड़ा और नदीम ने पाकिस्तान के लिए गोल्ड जीता और नीरज चोपड़ा ने इंडिया के लिए सिल्वर। पर इस बात से इतना तो समझ में आ गया कि पाकिस्तान से बड़े बड़े कोई नहीं फेंक सकता, फिर वो जावलिन हो या फिर कुछ और, छोड़ो इस बात में हमें क्या बात करना, ये तो सबको पता ही है। थैंक यू सो मच।